हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। आज हम आपके साथ टमाटर, आलू और प्याज की रेसिपी इंस्टेंट बनने वाली, जो अचानक से आपके घर में कोई आ जाए और हरी सब्जी ना रहे तब सब्जी को किस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल चिकन का स्वाद वाला मज़ा आ जाता है खा के। देखिए, हम उसके लिए शुरू करते हैं। कैसे क्या करना है आप देख सकते हो गाइस, हमने सब चीज़ों को पहले से इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए, तड़का लगाने के लिए हम सबसे पहले चाहिए ये मेथी दाना। इसमें सौंफ भी है, अजवाइन है, मंगरायल है, ये हो गया हमारा हींग, ये जीरा और गोल मिर्च, ये हो गया हमारा मिर्च और ये हो गया हमारा लहसुन। ये देखिए, हमने एक बड़े टमाटर को काट रखा है, हमने तीन आलू को काट रखा है पहले से बड़ा बड़ा बिना छिले हुए, और ये हो गया हमारा प्याज, और हमने ये गरम मसाला पहले से लगे रखा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्ट। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी स्वाद वाला सब्जी है। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हमने कुकर को चढ़ा दिया है, इसमें कुछ पानी है, पानी सूख जाए फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। करीबन 5 से 6 चम्मच, बड़ी चम्मच से हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमने तेल को डाल दिया, तेल गर्म भी हो चुका है। आप सब मेथी, अजवाइन, जो भी तड़का लगाने वाली चीज़ें सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, ये हमने पहले से ही अलग से रखा हुआ था, देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। तड़का रोस्ट होने पे, और ये रहा हमारा मेथी, इन सब चीज़ों को हम एक साथ ही ऐड करेंगे। ये रहा हमारा मेथी, अब देखिए ये हमारा हल्का सा रोस्ट होने के बाद हम इसमें आलू और प्याज दोनों ही साथ ही में ऐड कर, बहुत इंस्टेंट बनने वाला ये सब्जी है। आप भी बना के देखिए, बहुत ही हमें लगता है। ठीक है, ये हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम आलू और प्याज को डाल देंगे। पहले आलू डालेंगे, उसके ऊपर प्याज डालेंगे, लेकिन चलाएंगे नहीं जब तक कि आलू हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। देखिए, हमने इसमें आलू को डाल दिया, अब हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे। हमारे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है गाइस, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी थोड़ा सा लाइट वाइट की व्यवस्था करवाएंगे ताकि आप और एक चीज़ को क्लियर दिखा सकें। अब हम 5 मिनट तक कम से कम ऐसे ही छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं ताकि आलू हल्का सा ब्राउन हो जाए। अब गाइस देखिए, इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये रहा हमारा नमक, हमने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है, चला दिया है थोड़ा सा, 5 मिनट तक इसे सॉफ्ट होने देंगे। आलू हमारा हल्का सा ब्राउन हो ही चुका है, और थोड़ा सा ब्राउन होगा, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। फिर प्याज को डाल चुके हैं हम, और टमाटर, इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे, और बस बहुत कम मात्रा का पानी, यानी छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे और 2 सीटी लगने तक इसे पकाएंगे। अब गाइस, इस सब्जी में टमाटर होता है इसलिए इसमें हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में डालेंगे, बिल्कुल ये ख़राब लगता है खाने में। देखिए, हल्दी हम बहुत थोड़ा ही डालेंगे, अब हम इसे चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर को भी ऐड कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे भी फ्राई करेंगे। देखिए, हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये रहा गाइस हमारा ये गरम मसाला, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में ऐड करेंगे, और बस 5 मिनट तक इसे भूनेंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा एक कटोरी से भी कम मैं आपको दिखाऊंगी कितना पानी डालना है, और फिर 2 सीटी लगाने को पकाएंगे। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ा आ जाता है। जो समझ में ना आए आपको कौन सी सब्ज़ी बनाती है, सब्जी बना के खा सकते, बिल्कुल मैगी का टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं, ये हमारा भून चुका है, इसमें हम करीबन 1/2 कटोरी इतना इसमें हम पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि बस हमारा ये जलेंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ता अवेलेबल हो तो आप उसमें ये भी डाल सकते हो। अब देखिए, हमारा ये बॉईल होने लगा है, अब हम ढक्कन लगा के 2 सीटी होने तक पकाएंगे। पानी हमने बहुत कम ही डाला है। अब देखिए, हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। अब ये कचौड़ी के साथ खाने वाला लाजवाब और टेस्टी सब्जी है, आप इसे अपने घर पे बनाइए, खाइए। और हमारा यदि सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपके साथ हम समझ ही गए होंगे आप। तो आप देख सकते हो गाइस, ये हमारा सब्जी कितना ही टेस्टी बना है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। देखिए, हमने सर्व किया है खीर और रोटी के साथ, आप भी अपने घर पे बनाइए, सबको खिलाइए और खुद भी खाइए। सो गाइस, हमारा ये
सब्जी आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ गाइस। बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।